Well, India abstained in the UN General Assembly on a draft resolution on Islamophobia. India's permanent representative to the UN ambassador, Ruchira Kambod, said it's crucial to recognize the prevalence of religiophobia against other religions, including Hinduism, Buddhism, Sikhism, and other faiths. It is crucial to recognize, Mr. President, that Hinduism, with over 1.2 billion followers, Buddhism, with more than 535 million, and Sikhism, with over 30 million followers worldwide, are all subject to religiophobia. It is time that we acknowledge the prevalence of religiophobia rather than just single out one. हमारे दिन को उन्होंने यूनाइटेड नेशंस ने इस्लामोफोबिया डे का नाम दिया है। 1.9 बिलियन मुसलमान आबाद हैं, कुछ लोग तो 2 बिलियन कहते हैं, जो कि पूरी दुनिया की आबादी का 25% है। और मैं यहाँ ये बात मेंशन ये करना चाहूंगा, इस्लामोफोबिया की डेफिनेशन क्या है। इस्लामोफोबिया की डेफिनेशन है खौफ, प्रेजिडिस और फिर नफरत किसी एक खास तबके के खिलाफ की जाए, तो वो बिलखसूस अगर इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ, तो उसको इस्लामोफोबिया कहेगा, जो कि बाद में जिसको जो अगर तीनों चीजों को इकट्ठा किया जाए तो एक तशद्दुद की तरफ या फिर ऑपरेशन की तरफ लेके जाता है। इट मींस दे आर वेरी मच अग्रेसिव ऑन दिस, वो ये चीज जो है वो कह रहे हैं, समझ रहे हैं आप बात को, देखें दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज वर्किंग ऑन दिस, इट्स अ बिग थिंग। उनको समझ नहीं है कि इन एग्रीमेंट से क्या फायदा। देखिए 17वीं 18वीं सदी में जो नोबिलिटी थी यूरोप की, वो बड़ी फखर से कहती थी कि मेरा एक मुसलमान दोस्त। इस्लामोफोबिया क्यों नहीं था, क्योंकि ये 1850 से 1950 तक तो इंसान की तरह रहे, ना हमारी लड़कियों ने, औरतों ने घोड़सवारी की, ना जंग की, ना कुछ किया, उनको पकड़ के बच्चे की मशीन बना दिया, वो पैदा किए जा रही है। जय हिंद दोस्तों। अकॉर्डिंग टू UN, पूरे दुनिया में बहुत तेजी से इस्लामोफोबिया का डर बढ़ता जा रहा है। पूरे यूरोप में इस्लामोफोबिया है इस समय, आप लोगों ने देखा फ्रांस, इटली, जर्मनी, हर जगह, ऑस्ट्रेलिया में है, इसके बाद फिर अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में है और साउथ अमेरिका में, दोनों जगह है, ठीक है। साथ के साथ ऐसे देश में और तेजी से फैल रहा है जहाँ पे नॉन इस्लामिक लोग ज़्यादा हैं, जैसे कि चाइना में, भारत में, भूटान में, नेपाल में, और भी साउथ ईस्ट एशियन नेशन है जहाँ पे गैर इस्लामिक बहुसंख्यक में आते हैं, वहाँ पे इस्लामोफोबिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू UN। और दोस्तों इस्लामोफोबिया उन देशों में सबसे ज़्यादा है जहाँ पे अदर वर्ग अल्पसंख्यक है, जैसे पाकिस्तान में इस्लामोफोबिया हद लेवल पे, जो हिंदू बौद्ध है वो बेचारे ऐसे सहमे डरे से रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब बोलने के भी अधिकार नहीं है हिंदुओं को, बौद्ध लोगों को, अगर खुलेआम हिंदू बौद्ध ने पूजा कर ली अगर पाकिस्तान में, तो अगले दिन शायद वो मिले ना, ऐसा सीन है। तो लेकिन फिर भी डरते हैं लोग अब इस्लामिक लोगों से, कहीं बम बांध के ना फट जाए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बुरा लगेगा कई हमारे मुस्लिम भाइयों को, लेकिन हिस्ट्री रही है। अकॉर्डिंग टू UN 98% जितने भी सुसाइड बॉम्ब्स होते हैं, बॉम्बर होते हैं, वो इस्लामिक से रिलेटेड होते हैं। तो भाई अब आप लोग ही बताइए इस्लामोफोबिया क्यों ना हो दुनिया में। इसी को, इस्लामोफोबिया को कम करने के लिए UN में मुस्लिम देशों की तरफ से 15 मार्च के दिन इस्लामोफोबिया डे मनाए जाने के लिए एक प्रस्ताव दिया गया, ठीक है। मनाते भी है शायद ये मुस्लिम देश लोग जो अभी है, मनाते होंगे इस्लामोफोबिया डे, कि इस्लामोफोबिया कम किया जाए। लेकिन भारत ने कहा हम इस्लामोफोबिया डे नहीं मनाएंगे UN के कहने पे। अगर मनाना है तो सभी जितने लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं, उन सबके खिलाफ, हम उन सभी लोगों की सुरक्षा के लिए अगर कोई डे मनाया जाए तो हम मना लेंगे, इस्लामोफोबिया डे हम नहीं मनाने वाले। तो समझने वाली बात है कि जो देश दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकवादियों को पनाह देता है, जो देश चीन में वीगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों पर चुप रहता है, उस पाकिस्तान को अब दुनिया में इस्लामोफोबिया की चिंता सताए। इंडिया एज अ प्राउड चैंपियन ऑफ प्लूरलिज्म फर्मली अपहोल्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड ऑल फेथ्स। एट द हार्ट ऑफ दिस ethos is our principle of सर्व धर्म संभाव। We condemn all acts motivated by anti-Semitism, Christianophobia or Islamophobia. साथी साहब, फोबिया की जब हम बात करते हैं तो, लेकिन हमने कुछ चीजें देखी हैं जो हमारे अपने मुशाहदे के मुताबिक हैं कि जब किसी मुसलमान के हाथों इस तरह का कोई वाकया हो जाता है तो उसको इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के जमरे में लाया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अमेरिका में अगर इस तरह का कोई वाकया पेश आ जाता है जो कि किसी क्रिश्चियन के हाथों होता है, या कुछ किसी जिस अभी कुछ अरसा पहले की बात है कि दो ब्लैक ख्वातीन ने एक गोरी लड़की को फुटपाथ में सर मार मार के उसको मार दिया,
तो इस तरह के अगर वाकयात हो जाते हैं, या जिस तरह यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी में आपको याद होगा कुछ साल पहले की ये बात है कि एक टैक्सी ड्राइवर को, पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर को मार दिया गया था, तो इस तरह के जो वाकयात होते हैं उसको दहशतगर्दी नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है कि ये मेंटली डिस्टर्ब बंदा था। तो ये एक तजाद नहीं है कि अगर किसी मुसलमान के हाथों इस तरह का वाकया होता है तो वो दहशतगर्दी है, लेकिन अगर वही वाकया किसी दूसरे मजहब के किसी शख्स से सरजद होता है तो उसको ज़हनी बीमारी के तौर पर लिया जाता है। तो क्या ये तजाद खत्म नहीं किया जा सकता? क्या ये ऐसे वाकया जो हैं उनके लिए एक ही टर्म इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों? देखिए उसमें शाजिया, मैं उसमें फिर मजीद यही कहूँगा कि देखें, जहाँ भी आप माइनॉरिटी में हैं अमेरिका के अंदर भी, और जहाँ जहाँ जिन वाकयात की हम जिक्र कर रहे हैं वहाँ पे हम माइनॉरिटीज़ में हैं, माइनॉरिटीज़ को हमेशा मेजॉरिटी होती है जो ओप्रेस करती है। मैं इसकी छोटी सी मिसाल दूंगा, पाकिस्तान के अंदर देख लें आप कि पाकिस्तान इस वक्त वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ है उनके साथ हालात क्या है, उनकी भी कोई नहीं सुनने वाला, अमेरिका में आपकी सुनने वाला कोई नहीं। अब उसमें दो चीज़ें हैं, अमेरिका के अंदर 911 हुआ सितंबर 11, और उसके बाद इस्लामोफोबिया एक हिस्सा बन चुका है इस्लामिक कल्चर, अमेरिकन कल्चर का, और आजकल बिलखसूस गाजा की जंग है, हमास जो है उसके बारे में, और दूसरा हर वक्त जो है वो सारी दुनिया के जो मीडिया है उनको कवरेज देते हैं, तो आजकल भी इस्लामोफोबिया की वजह से मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर पुरतशद्दुद जो है वो वाकयात को नोट किया गया है। अब उसमें इसको कम किस तरह किया जा सकता है, इसमें इसको इसका नेगेटिव पहलू भी है और इसका पॉजिटिव पहलू भी है। अब देखें उसमें मैंने जो लर्न किया है, अगर देखा जाए तो सबसे पहले तजर्बा इस ओप्रेशन का, प्रेजिडिस का, बराक हुसैन ओबामा ने किया था कि जब आप के खिलाफ आप पहले ही लाइमलाइट में होते हैं, पहले ही आपकी दुनिया की लाइटें आपके ऊपर होती हैं, आप पे डिपेंड करता है आप उस नेगेटिव को पॉजिटिव किस तरह करते हैं, आप चेंज किस तरह करते हैं, और किया जा सकता है, बराक हुसैन ओबामा ने करके दिखाया था। अब उसमें यह है कि जब आपके नाम मोहम्मद है, मेरा नाम साजिद है, आपका नाम शाजिया है, तो जब हमारे नाम देखे जाते हैं फिर जब चेहरे देखे जाते हैं तो फौरन ही हमारे ऊपर लाइमलाइट ऑन हो जाती है। तो हम उसको किस तरीके से पॉजिटिव कर सकते हैं, वो उसको पॉजिटिव बिहेवियर के साथ। अब हमारा मजहबी और अखलाकी फर्ज बनता है कि हम पूरी दुनिया को इस्लाम का पॉजिटिव चेहरा दिखाएं, हम जहां नजर आए हमारे चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, हमें तालीम में आगे होना चाहिए। मैं आज बल्कि इस इस्लामोफोबिया डे के हवाले से अपने देखने वालों को खासकर ये कहना चाहूंगा कि आप जहां भी हैं, दुनिया के जिस हिस्से में भी हैं, एक पॉजिटिव चेहरा अपना सामने रखें, हम्बलनेस रखें। बल्कि अब रमजान है, रमजान का मतलब यही है कि आप कुर्बानी दें, आपके पास अगर एक रोटी है तो आधी रोटी जो है किसी भूखे को दें, किसी जरूरतमंद को दें, और बिलखसूस जहां जहां मौजूद है अपने सियासी नुमाइंदों के साथ अपने रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करें, अपने मिसाइल उनके साथ डिस करें, पड़ोसियों के साथ अच्छे पेश आए ताकि उन्हें पता चले कि मुसलमान दे आर गुड पीपल, all the Muslims are not bad। और दूसरा यहाँ भी ये कहना चाहूंगा, दुनिया की हर कम्युनिटी, हर मजहब के अंदर सर्टन परसेंटेज ऑफ लोग जो होते हैं दे आर बॉर्न ट्रबल मेकर, उन्होंने रिगार्डलेस उन्होंने गलत चीजें करनी ही होती हैं, उनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन जो मेजॉरिटी है जिस तरह के मैं आप कह रहा था उन पे उनका मजहबी और अखलाकी उनकी ड्यूटी बनती है कि वो उन चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करें।